अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के सदस्य रंजीत सिंह श्रीनेत्र ने कहा, तो बहुत पहले हो गए माता की जय। धरती पश्चात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आनंद की जय। विवेकानंद की जय। विवेकानंद की जिंदाबाद। धरती पश्चात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बोलेंगे और किसका क्या विषय है, लेकिन अपनी कार्य पद्धति है कि जिस तरह कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया। करीब 7-8 युवाओं को बोलने का अवसर दिया गया था पिछली बार 9 जुलाई का था। 12 जनवरी का देखना तो पता है। आज युवा दिवस के अवसर पर विद्यार्थी परिषद जिला पंचायत के सभागार में सभी विद्यार्थी परिषद के युवा साथियों के साथ यहाँ युवा दिवस का आयोजन हम लोग किए थे। युवा दिवस में जो स्वामी विवेकानंद जी के जो भी संदेश थे और उनके जो विचार थे, उन विचारों को नए जो आज के भारत के जो नए युवा हैं, उन युवाओं को उनके विचारों से उनको बताना था कि विवेकानंद जी क्या सोचते थे। विवेकानंद जी ये कहते थे, विवेकानंद जी का विचार यह था कि वो भारत में जितने भी युवा हैं और इन युवाओं को अपने शब्दों के माध्यम से संदेश देना चाहते थे कि तुम जब तक चलोगे तब तक तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ चलेगा। जब तुम बैठ जाओगे तुम्हारा भाग्य भी बैठ जाएगा। तुम अगर सो जाओगे तुम्हारा भाग्य भी सो जाएगा। इसलिए अगर आप तुमको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो लगातार चलते रहो तो तुम लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। और उनका एक संदेश था कि समृद्ध सुंदर भारत हमारा जो देश है समृद्ध सुंदर हो, इन सबके लिए युवाओं को ही आगे बढ़ करके उनके सपने को साकार करना। इसीलिए हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस कार्यक्रम को रखा था कि युवा दिवस इसलिए मनाया था कि उन युवाओं को विवेकानंद जी का जो संदेश था उन संदेश को उन युवाओं तक पहुँचाया जाए।